नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय पूर्व। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 7वीं बार लगातार कुंडा विधानसभा से जीत दर्ज करी है और रिकॉर्ड ये बनाया है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने। और जीत के बाद जब वो मतगणना केंद्र पर गए अपने जीत का प्रमाण पत्र लेने, उसके बाद पत्रकारों से जब उनकी बातचीत हुई तो पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि कुंडा में कुंडी लगाने की बात करने वाले लोग जिन्होंने बयान दिया था, उस पर रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसा तो कुछ है नहीं और कोई कुंडा में कुंडी लगा भी नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, पूरे प्रदेश में ही जनता ने जवाब दे दिया है। कुंडा और बाबागंज में तो दो विधायक जनसत्ता के जीते भी हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में उन लोगों को जनता ने जवाब दे दिया है। रघुराज प्रताप सिंह ने सीधा सीधा निशाना अखिलेश यादव पर साधा है और कहा है कि कुछ लोग जो चीज़ समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। और अपने दो विधायक जीतने के बाद जब पत्रकारों ने पूछा था कि अब आगे आपकी पार्टी क्या करेगी, क्या आपका एजेंडा रहेगा, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि दो विधायक हमारी जनता ने हमको जिताकर भेजे हैं और हम आगे उनके विकास के लिए, जनता के बीच रहने के लिए हमेशा उपस्थित हैं और रहें। तो देखिए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की मीडिया से हुई बातचीत का ये पूरा वीडियो। और इस बार हर बार आप निर्दलीय रहते थे और इस बार अपनी पार्टी बना करके, इस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम कुंडा और बाबागंज के सभी सम्मानित मतदाताओं को, सभी समर्थकों को और सभी जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम, आभार और धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद जैसे शब्द बड़े छोटे पड़ जाते हैं। और ये ऐतिहासिक जीत उन्होंने दिलाई और जनसत्ता दल का परचम पूरे प्रदेश में लहराया। आप जानते हैं कि बाबागंज से विनोद जी और कुंडा से हमको जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और नई ऊर्जा के साथ पूरे मनोयोग से हम और हमारे पूरे दल के सभी समर्थक जनता की सेवा करेंगे। राजा भैया, पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, अब जनसत्ता दल के दो विधायक हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है कि अब ये शुरुआत की शुरुआत को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, हम सभी लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है। और जैसा कि आपने देखा होगा, बड़े स्थापित दल भैया दल और वर्षों से राजनीति कर रहे दल जो है वो या तो जनसत्ता दल के बराबरी पे आके खड़े हो गए हैं और उससे नीचे चले गए हैं। तो महाराज जी, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। महाराज जी, एक सवाल है, कुंडा में कुंडी लगाने की? नहीं, ये तो हमने पहले ही कह दिया था, ये तो हमने पहले ही कह दिया था। आप लोग जब ओपिनियन पोल निकाल रहे थे तो याद नहीं, हमने कहा था ना बना दिया है ना बनाई दिया। महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी, अखिलेश से करारी हार पर क्या है? मुद्दे क्षेत्र के विकास के साथ साथ जन सुलभ रहना, जनता के हर दुख दर्द में शामिल रहना, हर मुसीबत में शामिल रहना और उसको दूर। महाराज जी, सपा की ये करारी हार से कैसे किए थे? कुंडा में कुंडी लगाने की परिणाम आपके सामने, आप जीत भी गए, अब तो परिणाम आपके सामने है। उसमें जनता ने जवाब दे दिया और जनता ने, पूरे प्रदेश की जनता ने। महाराज सर, समाजवादी पार्टी करारी हार हुई, इस पर क्या कहेंगे? उसके बाद पांचवें, छठे और सातवें चरण में जहाँ मतदान होने थे वहाँ के लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी।